बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्शन की गेमागेमी बुरूज पर है और इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार है। बलूचिस्तान में भी सियासी पहलवान अखाड़े में आ चुके हैं और 25 जुलाई को ही अब देखना होगा कि कौन कितना मजबूत है। आज हम अलका PB1 शेरानी और मुसाखेल की बात करेंगे, उन पर तजिया करेंगे। नई अलका बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेरानी डिस्ट्रिक्ट और मुसाखेल को अब एक ही अलका पर मुश्तमिल कर दिया गया है। इस अलके में जमीयत का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर माजी के आईने में हम देखें तो 2013 के इंतखाबात में मुसाखेल से मौलवी महाजुल्ला ने 8,000 जबकि शेरानी से मुफ्ती गुलाम ने 6,000 के करीब वोट लिए और इन दोनों का ताल्लुक जमीयत से था। जमीयत का इस हलके में इस मरतबा टिकट अजी हसन शेरानी, जिनका ताल्लुक शेरानी से है, दिया गया है और मुसाखेल से साबिक वजीर मौलवी सरवर मुसाखेल भी इनकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन एक अंदेशा है, एक परेशानी है जमीयत के लिए कि इस मरतबा दो मुख्तलिफ कौमियत मुसाखेल और शेरानी, मुसाखेल के लोग शेरानी को वोट देते हुए थोड़े हिचकिचा रहे हैं जबकि शेरानी के लोग मुसाखेल कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। ये एक फैक्टर पाया जाता है इस हलके में। और एक और फैक्टर जो है वो जमीयत के अंदरूनी इख्तलाफात का है और जमीयत के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इस वक्त मुतादद कैंडिडेट कुछ ऐसे भी खड़े हैं जो कि जिनका नुकसान अजी हसन शेरानी को ही हो रहा है, जबकि अजी हसन के मद मुकाबिल पाप पार्टी के अजी नज़र भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिनके असासे 4 अरब के करीब है। और आपको बताता चलूँ कि मुसाखेल में अब तक जो बदतर कैंपेन है वो जो बारी कैंपेन है वो है अजी नज़र साहब की, और जो दूसरी कैंपेन जोरों शोर से जारी है वो है PTI के उम्मीदवार बाबर साहब की। तो अब 25 जुलाई को ही पता चलेगा, मगर अब की जो सिचुएशन है उसमें अजी हसन साहब जो है दोनों अगर तजिया किया जाए तो बरतर है।